दोस्तों कहा गया है कि एवरीथिंग इज योर माइंड, यानी कि जैसे विचार वैसा मनुष्य। तो जैसा विचार आप अपने मन में रखते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप व्यवहार भी करते हैं। एक गीत को 3-4 बार सोचिए, आप थोड़ी देर में उसे गुनगुनाने लगेंगे। आप एक बार सोचिए कि आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है, थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरी स्मरण शक्ति तो वाकई बहुत तेज है। और अगर आप बार बार खुद से ये कहें कि आप आपकी जो स्मरण शक्ति है बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही शॉर्ट टर्म आप चीज़ों को याद रख पाते हैं, आपसे नहीं होगा, तो बिल्कुल ये भी होने लगेगा। यानी कि आपके विचार ही आपके जीवन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए अपने आप को अपने विचारों में कभी भी छोटा साबित ना होने दें। अपने आप को बुद्धिमान माने, अपने आप को शक्तिशाली माने, अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि अगर दुनिया में किसी ने भी किसी काम को किया है तो उससे बेहतर मैं उस काम को कर सकता हूँ, और हमेशा सकारात्मक सोचें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 23 जुलाई है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं सफलता के कुछ बहुत ही मूल मंत्र के बारे में। ये मंत्र अभी हाल ही में यानी कि CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा हुई है उसमें जो टॉपर बच्चे रहे हैं उनसे अलग अलग जब इंटरव्यू लिया गया तो यही बात निकल के सामने आई कि मानसिक रूप से मजबूत बने रहने की ज़रूरत पड़ती है, व्यवस्थित तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है और किसी भी हालत में आपकी मेहनत कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो कुछ होगा वो आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल तो अगर देखा जाए तो लाखों TET और CTET के जो पास आउट अभ्यर्थी हैं बैठे हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। छोटी से छोटी खबर पर वो ध्यान देते हैं कि अगली शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी सकारात्मक संदेश उनको देखने को नहीं मिला है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी हताश भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसी बीच उम्मीद की एक किरण यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो किरण ये है कि जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान को देखा जाए तो 2 करोड़ बेसिक स्कूलों में नामांकन पूरा करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके द्वारा कहा गया है कि हमने पूरा प्रयास किया है कि नामांकन की संख्या 2 करोड़ बेसिक स्कूलों में कर दिया जाए ताकि जो लोग शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी अवसर उपलब्ध हों। यानी कि नामांकन की संख्या अगर 2 करोड़ प्लस जाती है तो शिक्षक भर्ती उतनी जल्दी डिक्लेयर की जा सकती है। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट बात तो नहीं कही गई है, लेकिन संकेत यही दिया गया कि अगर नामांकन बढ़ेगा तो शिक्षक भर्ती भी जल्दी घोषित की जा सकती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती पर यह एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस अभियान को काफ़ी सफलता भी मिल रही है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी आपको एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को मिले और लाखों अभ्यर्थी जो बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी एक प्राइमरी शिक्षक भर्ती आए तो इसके लिए उनको जल्दी अपना सपना साकार होता हुआ दिखे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा जिसका विज्ञापन 2017 में पहले आया था, इसको पुनर्विज्ञापित किया गया था वर्ष 2022 में। तो इसकी जो परीक्षा होगी ये 4 अगस्त को करवाई जाएगी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक लखनऊ में परीक्षा होगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिए गए हैं upsc.up.nic.in पर, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड हैं स्टाफ नर्स परीक्षा के वो उपलब्ध हो चुके हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और जन्मतिथि के आधार पर प्रश्नपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नपत्र पर जो अनुदेश दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जब आप परीक्षा देने जाएँ तो अपना हस्ताक्षर और फोटो भी लेकर जाएँ, 2 फोटो एक ID प्रूफ के साथ लेकर जाएं और परीक्षा भवन में 30 मिनट पहले आप लोग पहुंच जाएं, क्योंकि जो परीक्षा होगी उसका जो गेट होगा वो परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग समय से पहले पहुंचें ताकि आप लोग परीक्षा में शामिल हो सकें। लेखपाल भर्ती एडमिट कार्ड के बारे में आज भी अभी UP SSC में एक मीटिंग चल रही है, मतलब चल रही आ रही है, होने वाली है। तो UP SSC का जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होगा इस पर
एक मीटिंग आज होगी और मीटिंग के बाद आपको ये पता चलेगा कि एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि जो परीक्षा है वो 31 जुलाई को करवाई जा रही है, 31 जुलाई को, और इस परीक्षा के टलने की कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो तमाम लोग कहेंगे कि परीक्षा जो टल जाएगी, एडमिट कार्ड नहीं आया है। ऐसा कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड जल्दी जारी कर दिए जाएंगे और आज शाम तक आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए। और वहीं पर हाई कोर्ट से आर ओ ए आर ओ के सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली है। बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की आर ओ ए आर ओ और कंप्यूटर सहायक की जो परीक्षा हुई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। कोर्ट ने मामले में दाखिल 63 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए उसे पोषणीय नहीं माना है और उन्हें खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद असफल होने पर भर्ती को लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। चयन में असफल अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने महानिबंधक की तरफ से दाखिल इलाहाबाद हाईकोर्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA और दर्जनों अन्य की अपील मंजूर कर ली है और एकल पीठ के 6 अप्रैल 2022 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ के आदेश के बाद याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई थी। तो फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आर ओ आर ओ की परीक्षा हुई थी, ये परीक्षा शायद जनवरी महीने में हुई थी या दिसंबर में हुई थी, तो इसी परीक्षा के मद्देनज़र ये डिसीजन सामने आया है, जहाँ पर बहुत सारी याचिकाएँ पड़ गई थी रिजल्ट आने के बाद। और देखिए, बात करते हैं CBSE परीक्षा के बारे में, तो इस बार का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहा है। 10वीं में कुल 94.40 विद्यार्थी जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, इसमें 95% बेटियाँ पास हुई। 12वीं में भी जो नतीजा रहा वो 92.71% रहा है, जिसमें 94% लड़कियाँ जो हैं वो मतलब सफल रही हैं। और यहाँ पर देखिए, इन हुनारों ने हासिल किए हैं 500 में 500 अंक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और प्रयागराज की स्वास्थी ने 10वीं और सुप्रिया ने 12वीं में टॉप किया है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो मुख्य खबर है वो ये है कि कंपार्टमेंट की जो परीक्षा होगी वो 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी आपके विद्यालय से, कॉलेज से। तो 12वीं कक्षा के छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में एक विषय में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। कंपार्टमेंट की जो परीक्षा होनी है ये 23 अगस्त से स्टार्ट होगी। कंपार्टमेंट परीक्षाएँ जो होंगी उसमें टर्म 2 परीक्षाओं के पाठ्यक्रम पर ये परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जिन छात्रों ने 6 या अधिक विषयों की पेशकश की और भाषा को छोड़कर पहले 5 विषयों में से किसी में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाए, तो फेल विषय से 6वें विषय को बदलकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, उन्हें भी अनुत्तीर्ण विषय में प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा में अनुमति दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी वो 23 अगस्त से होगी। अधिक जानकारी आपको अपने विद्यालय से मिल जाएगी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में NHM भर्ती के बारे में। कुल 5,505 पद हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के ये पद हैं, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा है 35 वर्ष, नियमानुसार छूट भी मिलेगी। पात्रता क्या है? किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। पात्रताओं से संबंधित जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें। चयन का तरीका क्या होगा? तो चयन के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा कुल 100 अंकों के 2 खंडों पर आधारित होगी। परीक्षा के खंड 1 में प्रोफेशनल नॉलेज और खंड 2 में सामान्य योग्यता, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के साथ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 9 अगस्त है। वेबसाइट है upnrhm.gov.in। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट आपको और देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आपको 2 महीने का जो करेंट अफेयर है, इस पर जो वीडियोज़ हैं लगातार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है करंट अफेयर का, वो आज 12 बजे के से पहले अपलोड कर दिया जाएगा।
और अभी हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 भी डिक्लेयर किया गया है, तो उसको भी आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।